माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अमली पदार्थ विरोधी कायदा निकाला है और वो कायदा ऑलरेडी यहाँ पे चालू है, तो उसमें वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं और वो अमली पदार्थ जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है और वो बढ़ोतरी कम करने के लिए सीएम डीसीएम काम कर रहे हैं। तो चरस, गांजा, अफीम, इसके लिए हम लोग को प्रशासन से ये मांग है कि वो जहाँ से आ रहा है वो सप्लाई बंद करना चाहिए, उसकी खेती है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। जैसे गुटखाबंदी होती है, गुटखाबंदी आज महाराष्ट्र में, मुंबई में काफ़ी तादाद से बढ़ रहा है, उसके वजह से लोगों के घर उजड़ रहे हैं। मैं अफजल शेख, गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं आनंद साबले सर, जो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं और महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव भी हैं और मुलुंड में जो दही हंडी का जो प्रोग्राम जिस तरह से होता है हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिली कि जैसे रोड पर ट्रैफिक्स होता है और सीसीटीवी के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप दही हंडी का जो प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि दही हंडी में हम लोग हर साल दही हंडी मनाते हैं। दही हंडी उत्सव एक अलग तरीके का उत्सव रहता है। मुलुंड में हम लोग हर साल दही हंडी मनाते हैं, स्टेशन के बाहर हम लोग दही हंडी उत्सव मनाते हैं। दही हंडी उत्सव मनाने का जरिया ये है कि लोगों में एंथुसियास्टिक हो, लोग उत्साहित हो, इसके लिए हम लोग वो प्रोग्राम करते हैं और वो प्रोग्राम के वजह से जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है, तो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे वॉलंटियर्स है, वो वॉलंटियर्स उसको कंट्रोल करते हैं और वो दही हंडी उत्सव जो है वो सही तरीके से सही मायने से वो मनाया जाता है। मुलुंड में जो सीसीटीवी कैमरा जो लगा है, क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कई बार ऐसा पता चला कि जब भी क्राइम हो रहा है तो कई सीसीटीवी कैमरे बंद है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? सीसीटीवी कैमरे के बारे में मेरी डीसीपी साहब जो यहाँ के उपायुक्त है उनसे आज मीटिंग थी, लेकिन वो कुछ बिजी थे तो उसके वजह से उनकी आज मुलाकात हो नहीं पाई है, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है। डीसीपी साहब को हम लोग जो यहाँ के पुरुषोत्तम कराड़ जी है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। सीसीटीवी कैमरा जो मुलुंड जोन के जो है सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे थोड़ा ब्लेयरनेस डार्कनेस बराबर नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं और उसके वजह से जो क्राइम कंट्रोल में आना चाहिए उस चीज़ के लिए वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीसीटीवी जैसे कि आप थोड़ा ब्लर है, ये काफ़ी ओल्ड कैमरास जो है यहाँ पे लगे हुए, तो जिसके वजह से जैसे कि अगर क्राइम का स्पॉट भी होता है तो उसमें आपको क्लियर नहीं दिखाता है, विज़न क्लियर नहीं आ पाता है, तो इसके वजह से नया सीसीटीवी जो अपडेट करने के लिए आपने उस पर भी कुछ बातचीत करने के लिए नया भी किया है। अपग्रेड करने के लिए हमारी बातचीत चालू है सीनियर साहब से और डीसीपी साहब से, तो उसके बारे में हम लोग रिगार्डिंग ये करेंगे, क्योंकि हर एक कोई स्टेशन पे जो जगह है जहाँ पे ब्लरनेस है, जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे ट्यूबलाइट्स नहीं है, बीएमसी की लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में भी हमारी चर्चा उनसे चालू है कि चेन स्नैचिंग ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो जो सीसीटीवी कैमरे चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल बराबर से हो नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उनको क्राइम कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसके लिए हमारी बातचीत चालू है। जैसे कि हम देखते हैं देश में जो बेरोजगारी है उसके साथों साथ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और ख़ास करके जो बालिश बुद्धि के बच्चे हैं, छोटे 10 से 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे जो है, जिनका जो भविष्य जो है आज हम देखते हैं उनके भविष्य में वो लोग अमली पदार्थ जैसा चरस हुआ, गांजा हुआ, हीरोइंस, ये सब ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसका जो जिम्मेदार जो है कौन रहेगा? नहीं, इसका जिम्मेदार हम नागरिक है और हमारे बच्चे लोग के ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए हम लोग उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो इस रिगार्डिंग हमने एसीपी डीसीपी के साथ बातचीत चालू है कि अमली पदार्थ का विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। पूरे भारत में ये ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, ये ऑलरेडी हर थाने के आसपास अपडेट रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं हुई और ये जब तक ख़त्म नहीं होगी आने वाले भविष्य जो है वो इसी रूप में नशे की लत में एक आगे बढ़ता चला जाएगा। और इस पे अंकुश किस तरीके से लगाया जाएगा, शासन प्रशासन से आपकी मांगनी क्या है कि जिससे इस पे अंकुश लगाया जाए, हर थाने से इस क्राइम को ख़त्म किया जाए? इसके लिए शासन प्रशासन से सीएम डीसीएम के बारे में हमारी बातचीत चालू है,
माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अमली पदार्थ विरोधी कायदा निकाला है और वो कायदा ऑलरेडी यहाँ पे चालू है, तो उसमें वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं और वो अमली पदार्थ जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है और वो बढ़ोतरी कम करने के लिए सीएम डीसीएम काम कर रहे हैं। तो चरस, गांजा, अफीम, इसके लिए हम लोग को प्रशासन से ये मांग है कि वो जहाँ से आ रहा है वो सप्लाई बंद करना चाहिए, उसकी खेती है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। जैसे गुटखाबंदी होती है, गुटखाबंदी आज महाराष्ट्र में मुंबई में काफ़ी तादाद से बढ़ रहा है, उसके वजह से लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ वहाँ महिलाओं की छेड़छाड़ हो रही है, तो उसके लिए कायदा सुव्यवस्था का प्रशासन का जो काम है वो अच्छे तरह से चलना चाहिए, वही हमारे प्रशासन से। अभी सर जी आपने गुटखे पे एक सवाल रखा है, हम इसका आपसे जवाब मांगना चाहते हैं कि सन 2005 से अधिनियम से ये गुटखा बैन है, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर पान पट्टी पे अवेलेबल है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता और ये पुलिस की नज़र में भी रहता है लेकिन पुलिस इसको अनदेखी करती है। इस अनदेखी के लिए पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पुलिस अनदेखी नहीं कर रही, पुलिस का काम पुलिस कर रही है, लेकिन जो ये पान टपरी वाले छोटे मोटे थैले वाले वो यहाँ वहाँ कुछ रखते हैं, तो आप सुजान नागरिक है, आप पुलिस को तकरार कीजिए, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सर जैसे आपने कहा, अगर सरकार ने अगर इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई तो आप क्या करोगे इसका? आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालोगे? यस, अगर लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के हित के लिए मुझे करना पड़ेगा तो मैं जन आंदोलन करूँगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो अच्छी तरह से बढ़े, क्योंकि हमारे सबके घर में 15 साल के 20 साल के बच्चे लोग हैं, वो आज भविष्य उनका अंधकारमय हो रहा है, तो उनके भविष्य को आगे जाने के लिए उनको ये चीज़ से रोक लगाना ये मेरा परम कर्तव्य समझता हूँ। जनसेवा प्रतिष्ठान इसके लिए काम करेगा और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, मेरे लोगों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैं इस जन आंदोलन में हिस्सा लेना चाहूँगा, क्योंकि आने वाली नस्लें ये अच्छी हो और आने वाला भविष्य ये अच्छा हो, हर एक घर में आज IAS IPS इंजीनियर लड़के लोग पैदा हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और सरकार से वो मांग कर रहा हूँ कि वो बच्चों को अगर अच्छा शिक्षण, अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, रहना सहना देंगे तो वो बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, इसके लिए इसको रोक लगाना ज़रूरी है। ये भारत देश है, इसके उज्जवल भविष्य के लिए पूरे भारत देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो बच्चे लोग, उनको संस्कार अच्छा दो और अच्छे संस्कार से पले बड़े लोगों को, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहो, तो वो बच्चा भविष्य में जाके आगे तरक्की करेगा और इसके ऊपर पाबंदी लगेगी। ये थे हमारे साथ आनंद साबले सर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और इनकी टीम जो आप हमारे साथ देख सकते हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए गोंड न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंड न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।